तो दोस्तों, अगर आपको भी पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो गई है और वैसे में अगर आप लोन लेना चाहते हो दोस्तों, तो मैं आज की इस वीडियो में एक ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जहां से आप बिना कोई इनकम प्रूफ, बिना कोई सिविल स्कोर का यहां से आप लोन ले सकते हो। यह जो लोन एप्लीकेशन है गाइस, इसमें बस आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा आप यहाँ से लोन ले सकते हो। बस आपका एज 18 साल प्लस होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए, तो आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर 110% आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन मिल जाएगा। तो यह जो लोन एप्लीकेशन है गाइस, इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप वहां से भी जाकर इस लोन एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो। और वीडियो के बीच में बता देंगे कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है और इस लोन एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई करना है और आपको जो लोन अमाउंट मिलेगा उसको आप विद इन 2 मिनट्स के अंदर में अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, सभी कुछ हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर वीडियो को आप स्किप कर लोगे और एक भी ट्रिक आपसे मिस्टेक हो जाएगा तो आपको लोन लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो जैसे आप फर्स्ट टाइम इस लोन एप्लीकेशन को ओपन करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालने का यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को आ जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करके उसके बाद यहाँ पे आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे अपना मोबाइल नंबर डाल के गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे, उसके बाद दोस्तों आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको फिलअप कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के उसके बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि जैसे मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर दिया, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड चलेगा, उसके बाद 4 अंक का ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आपको अपना फिलअप करके उसके बाद यहाँ से आपको वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से अपना वेरीफाई कर लेता हूँ। जैसे वहाँ से वेरीफाई कर लोगे, फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाता है, जो देख सकते हो गाइस कि आपको इस लोन एप्लीकेशन को यहाँ से परमिशन देना। परमिशन में यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि लोकेशन, डिवाइस, एसएमएस, कॉन्टैक्ट को परमिशन देना है। परमिशन देने के लिए आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इस लोन एप्लीकेशन को यहाँ से परमिशन दे देना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से परमिशन दे देता हूँ। जैसे वहाँ से परमिशन दे दोगे, उसके बाद दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को होम स्क्रीन पर आ जाओगे, जो यहाँ पर अभी आप लाइव प्रूफ देख सकते हो गाइस। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 5 टाइप का लोन दिया जाता है, जो देख सकते हो कि 5 टाइप का लोन आपको यहाँ पे दिया जाता है। फर्स्ट आ जाता है कैश लोन, होम लोन, एंड आपको तीसरा मिल जाता है म्यूचुअल फंड एंड मतलब डिजिटल गोल्ड एंड हेल्थ इंश्योरेंस, गाइस यहाँ पे आपको मिलता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 ही टाइप का लोन मिलेगा, बाकी ये म्यूचुअल फंड, ये सब आपको डिजिटल गोल्ड, ये सब आपको इन्वेस्ट वाला आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर कैश लोन कैसे ले सकते हो। तो दोस्तों आपको लोन लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको कैश लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से कैश लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे वहाँ से कैश लोन वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक करोगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर इंटर कर देना है, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि आप क्या हो, मतलब सैलरीड पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड या अदर हो, आप जो भी हो वो अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है मंथली इनकम। तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि आपको मंथली इनकम 35,000 से आपको अधिक रखना है या 30,000 से आप अधिक रखिए, 35 या 40 के बीच या 45-50 के बीच में आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे वहाँ से आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ओनली फॉर 2 स्टेप में आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। पहला आपको मतलब यहाँ पे अपना KYC कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको लोन ऑफर बता दिया जाएगा और आपका लास्ट स्टेप बच जाता है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में इस अमाउंट को ले लेना, ठीक है। तो आपको ये सभी स्टेप को करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको नीचे यहाँ पे एक चेकबॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है बाई प्रोसीडिंग का गाइस, तो आपको इस पर क्लिक करके गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। जैसे वहाँ से आप गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल्स दे देना है। तो बेसिक डिटेल्स में आपको क्या क्या देना मैं बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि नीचे यहाँ पे आपको आ जाता है फुल नेम का ऑप्शन, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर कर देना है। पहले ही मैं बता देता हूँ दोस्तों कि आप पैन कार्ड पर आपका जो भी नाम होगा वही नाम यहाँ पे देना है, या अगर आप किसी और का लोन अप्लाई कर रहे हो तो आप उन्हीं का नाम और उसी का डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। फिर आपके सामने इस टाइप का आएगा, जो आपका लोन ऑफर बताया जाएगा। तो आपको लगभग आपको मतलब 15 से 20 सेकेंड यहाँ पे आपको वेट कर लेना है। तो आपको लगभग थोड़ा देर यहाँ पे वेट कर लेना है, उसके बाद आपको लोन ऑफर बता दिया जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ। जैसे वहाँ से मैं थोड़ा देर वेट कर लिया हूँ, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे 22,000 का यहाँ पे मुझे लोन ऑफर कर रहा है ये लोन एप्लीकेशन, ठीक है। और मैं यहाँ से मिनिमम मैं यहाँ से मतलब 10,000 का लोन ले सकता हूँ, मैक्सिमम मैं यहाँ से 22,000 तक का मैं यहाँ से लोन ले सकता हूँ। और मुझे यहाँ पे जो EMI मेरा जो मतलब मंथली का 2 मंथली मुझे यहाँ पे देखने को मिला है, एक 7 मंथ के लिए ले सकता हूँ 22,000 को, और यहाँ से मैं मतलब ले सकता हूँ 9 मंथ के लिए जो देख सकते हो, ठीक है। तो अब आपको इस लोन अमाउंट को लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो नीचे वेरीफाई बैंक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको यहाँ से वेरीफाई बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से वेरीफाई बैंक वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक
कर लेते हैं। जैसे वहाँ से वेरीफाई बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे तो उसके बाद अब आपको अपना बैंक को यहाँ से वेरीफाई करना है। तो बैंक को वेरीफाई करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आपको अपना IFSC कोड इंटर कर देना। आपके बैंक का जो भी IFSC कोड होगा वो IFSC कोड इंटर करके उसका नीचे आपको अकाउंट नंबर इंटर करके उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है नेक्स्ट का, तो आपको यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे वहाँ से आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसके बाद आपके अकाउंट में यहाँ से ₹1 भेजा जाएगा इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा, और ये आपका अकाउंट चेक करेंगे कि आपका अकाउंट एक्टिव है या नहीं है। अगर आपका बंद होगा गाइस तो आपको यहाँ से लोन नहीं मिलेगा। आप जो भी अकाउंट नंबर दोगे वह अकाउंट नंबर आपका चालू होना चाहिए, ठीक है। मेरे बैंक में यहाँ से ₹1 भेजा जा रहा है तो आपको थोड़ा देर यहाँ पे वेट कर लेना है। जैसे वहाँ से आप थोड़ा देर वेट कर लोगे उसके बाद अब आपका स्टेप आ जाता है लास्ट स्टेप कंप्लीट KYC करने के लिए। आपको यहाँ से अपना KYC करना है, मतलब KYC करने के लिए आपको मतलब एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड करना है। सेल्फी अपलोड करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आ जाता है एड्रेस यहाँ पे देना है। आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड पर आपका जो भी एड्रेस होगा वही एड्रेस आपको यहाँ पे इंटर करना है। वो एड्रेस इंटर करके ये दोनों को करके आपको यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं ये दोनों चीज़ को यहाँ पे फिलअप करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। जैसे वहाँ से आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसके बाद अब आपका मतलब KYC करने के लिए आपको पैन कार्ड वेरीफाई करना है। तो पैन कार्ड को वेरीफाई यहाँ से आप कर सकते हो, मतलब डिजी लॉकर से भी कर सकते हो, वेरीफाई मतलब मेंचुरल से भी यहाँ से कर सकते हो। तो मैं यहाँ से डिजी लॉकर से करूँगा, अगर आपको इससे करना है आप जिससे भी करना है वो अपना कर लीजिएगा। तो आपको नेक्स्ट कंटिन्यू का ऑप्शन नीचे देखने को मिल जाएगा, तो आप अपना सेलेक्ट करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे वहाँ से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसके बाद आप डिजी लॉकर के वेबसाइट पर यहाँ पर चले जाओगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपकी चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे ऑटोमेटिक आधार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से ऑटोमेटिक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। जैसे वहाँ से आप ऑटोमेटिक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसके बाद दोस्तों आपको अपना यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर इंटर कर देना। आधार कार्ड का नंबर इंटर करने के बाद ये कैप्चा आपको जो दिखेगा आपके सामने वही कैप्चा यहाँ पे आपको फिलअप करके यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से अपना सभी कुछ फिलअप करके नेक्स्ट कर लेता हूँ। जैसे वहाँ से आप नेक्स्ट कर लो उसके बाद आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर आपको यहाँ पे OTP आएगा, तो वो OTP यहाँ पे फिलअप करके उसका कंटिन्यू कर देना है। जैसे वहाँ से आप कंटिन्यू कर लोगे उसके बाद यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का 6 मतलब डिजिट का पिन डालना है। अगर आप आज तक अगर कभी भी अगर डिजी लॉकर का कोई पिन बनाए तो पिन डाल सकते हो, नहीं बनाया होगा तो आप 6 अंक का कोई सा भी एक पिन बना लीजिएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 भी बना सकते हो, या अगर और कोई सा भी अंक आप बना सकते हो उसका कंटिन्यू कर देना है। जैसे यहाँ से आप कंटिन्यू कर लोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अलाउ करना है डिजी लॉकर का आपका KYC कंप्लीट होना है। जैसे यहाँ से आप अलाउ करोगे आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ। जैसे यहाँ से आप अलाउ कर लोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सेल्फी वेरीफाई एंड आपका आधार कार्ड भी वेरीफाई हो जाएगा। अब आपका लास्ट स्टेप यहाँ पे बच जाता है वीडियो वेरीफाई करने के लिए। तो वीडियो वेरीफाई करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ से वीडियो वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये जो लोन एप्लीकेशन का जो होगा स्टाफ लोग वो आपको कॉल करेंगे, आपको वहाँ पे अपना वीडियो को वेरीफाई कर लेना है। आपसे कुछ पूछेंगे उसका जवाब देकर यहाँ से आपको नेक्स्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से नेक्स्ट कर लेता हूँ। जैसे वहाँ से आप नेक्स्ट कर लोगे उसके बाद अब आपका एड्रेस यहाँ से देना है, आपका जो भी एड्रेस होगा वो दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपको फ्लैट नंबर दे देना है, उसके बाद स्ट्रीट दे देना है, उसके बाद आपको एरिया देना है, पिन कोड दे देना है, सिटी दे देना है, स्टेट दे देना है, ये सब देकर आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे वहाँ से आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब आपको EMI डेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर मान लेते हैं कि अगर आपका जो पर मंथ जो आपका जो सैलरी आता है, अगर मान लेते हैं कि आपका 4 तारीख को आता है, तो आप यहाँ से जब का चाहो तो अगर 10 तारीख का भी सिलेक्ट कर सकते हो, 9 या 6 तारीख का भी आप कर सकते हो। अपना EMI अपने हिसाब से आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको गेट कैश का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ से गेट कैश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे वहाँ से आप गेट कैश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसके बाद दोस्तों आपका लोन अमाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट्स EMI सभी कुछ यहाँ पे आपको देखने को नीचे मिल जाएगा। अब आपको इस लोन अमाउंट को लेने के लिए आपको गेट कैश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ से आप गेट कैश वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो विदिन 5 मिनट्स या 2 मिनट्स के अंदर में आपके अकाउंट में आपका लोन अमाउंट आ जाएगा। दोस्तों मुझे यहाँ से लोन की कोई भी जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ से लोन अप्लाई नहीं करूंगा। अगर आपको लोन का जरूरत है तो आप यहाँ से जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम है नाभी लोन ऐप का, यही लोन एप्लीकेशन है और मैंने आपको यही लोन एप्लीकेशन के अंदर भी लोन अप्लाई करके दिखाया। और इस लोन एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से अगर आप इस लोन एप्लीकेशन को अगर आप मतलब डाउनलोड करते हो तो आपको काफी जल्दी यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो आप भी जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मतलब आपको नाभी लोन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से नाभी लोन एप्लीकेशन को आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मान लेते हैं किसी भी कारण अगर आपको नाभी लोन एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको लोन नहीं मिलता है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज मैंने आप लोगों के लिए 50 लोन एप्लीकेशन को वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं। आप वहां से जाकर उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर आप लोन अप्लाई कर सकते हो। उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना, कोई भी सिविल स्कोर, कोई भी इनकम प्रूफ आपको अपलोड करने का कोई भी जरूरत नहीं है। बस आपका एज 18 साल प्लस होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। तो आप पैन कार्ड और आधार कार्ड के जरिए आप वहां से मिनिमम 5,000 का लोन ले सकते हो और मैक्सिमम वहां से आप 1 लाख तक का लोन ले सकते हो। तो उस 50 लोन एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर भी आप जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर लोग भी उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन लिए हैं और मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर लोग भी उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन लेकर खुश है। मैंने आपको वहां से लाइव प्रूफ लोन लेकर भी दिखाया हुआ है, तो आप जाकर उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।